सेवालाल पटेल जी, सेवालाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा महन सिंह चरणों के बाबा महन सिंह के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ आज इस ट्रैक्टर किसान आक्रोश महारैली में के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जगदीश सिंह पटेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे द्वारका प्रसाद तिवारी जी, सतना जिले के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष इंद्रजीत पाठक जी, हमारे पन्ना जिले के अध्यक्ष आदरणीय बसंत लाल पटेल जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी किसान नेता, विधायक गुनोर और उपस्थित दूर दराज से आए हुए इन कानूनों को वापस दिलाने के लिए सहयोग में सारे पन्ना जिले के किसान भाइयों और बहनों, आज हम जो केंद्र की सरकार ने ये तीन अध्यादेश हमारे किसानों के लिए लाए हैं जो किसान हित में नहीं है, इसके बावजूद किसानों ने मांगा नहीं है, लेकिन बिना मांगे ये सरकार ने काले कानून दिए और जिस चीज को किसान मांग कर रहा था, जिस चीज की किसान मांग कर रहा था कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पे जो किसानों का समर्थन मूल है उस समर्थन मूल से कम जिन्स हमारी नहीं बिकनी चाहिए, ये किसान मांग कर रहा था लेकिन उसको नहीं दे रही है और ये कानून अलग से किसानों के बीच में थोप दिया है जो उद्योगपतियों के हित में है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं जो किसानों की मांग थी कि आज हमारा जैसे मान लीजिए धान का 1868 रुपए एनएसपी है, समर्थन मूल है, तो समर्थन मूल 1868 से कम में हमारी धान नहीं बिकना चाहिए, लेकिन पता चलता है कि जब सरकार खरीदती है, जितने दिन सरकार खरीदती है उतने दिन 1868 बिकती है, इसके बाद में वो 1000 की बिकने लगती है। ये किसानों का सरकार से ये कहना है, सरकार से ये मांगना है और सरकार को ये याद दिलाते हैं किसान कि ये हमारा अधिकार है, इसको कानूनी जामा पहनाओ, कोई भी खरीदे, चाहे किसान कोई भी खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे कोई भी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, हमारी अगर धान 1868 एनएसपी है उसकी, तो 1868 में कम से नहीं बिकना चाहिए, ये किसानों की मांग है। इसलिए हम ये सरकार को बताने आए हैं कि जब तक हमारे एनएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाओगे तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको निवेदन करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं एक ही कानून का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कांटेक्ट फार्मर है, कांटेक्ट फार्मर में अगर हमारे पास कोई कांटेक्ट करने आता है तो उसने अगर हमसे पूछा कि हम क्या बोना चाहते हैं, अगर उदाहरण में बता दूं कि हमने मसूर बो दिया तो उस कांटेक्टर ने हमारे मसूर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की किसानों के मसूर का कांटेक्ट कर लिया, और जब मसूर का कांटेक्ट कर लिया तो जब पैदा होती है मसूर, जब पैदा हो गई तो निश्चित तौर पे वो कांटेक्टर आपकी मसूर को अगर हमारी एनएसपी 5500 है तो 5300 तो खरीद लेगा, 100 का फायदा आपको मिल जाएगा, लेकिन सारे मध्य प्रदेश की मसूर को इकट्ठा कर लेगा, एक जगह कर लेगा, इसलिए कि दूसरे कानून में कोई लिमिट नहीं है कि कितना खरीद सकता है, कितना रख सकता है, इसलिए उसने अगर पूरे मध्य प्रदेश की मसूर को रख लिया और जब हमको आवश्यकता कारखाने की पड़ेगी तो निश्चित तौर पे हमें अगर हमसे उसने
53 रुपए किलो खरीदी है तो 150 रुपए किलो भी बेच के हमको दाल खाना पड़ेगा, 150 रुपए किलो में खरीदेंगे। अगर उसके मन में ये आ गया कि अभी ऐसा नहीं है, दो और बढ़ाना है, तो 200 रुपए किलो भी किसान इसी आदमी को जिसने ये 53 रुपए किलो बेची है मसूर, इन्हीं लोगों को वो फिर से 200 रुपए किलो खरीद कर खाना पड़ेगा। अगर हमको दाल खानी है तो निश्चित तौर पे हम 200 रुपए खरीद कर दाल खाएंगे। ऐसे ऐसे सरकार के जो कानून है इसको वापस लेने के लिए हम सरकार को बताने आए हैं, कलेक्टर के माध्यम से बताने आएंगे। और ये भी कहते हैं कि सरकार को भी चुनौती है, कब तक तुम वापस कानून नहीं लोगे, जब तक आंदोलन ये चलता रहेगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन। सम्मानित साथियों,